भैया देखो सब इम्पोर्टेंट ग्राफ बताना था। सबसे पहले y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c, m ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। m ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और स्लोप भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हां, ये इंटरसेप्ट हो गया c, ये हो गया थीटा, जो थीटा होगा tan थीटा पॉजिटिव होगा, स्लोप भी ग्रेटर देन 0 है और इंटरसेप्ट भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, y बराबर mx, mx इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा कि नहीं होगा? उसके बाद जैसे आता है y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c, ठीक है, जहां स्लोप का आता है नेगेटिव, m लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0, अब ग्राफ क्या होगा? नहीं बनेगा ऊपर से लिखा है, ये थीटा, ये होगा टैन पाई माइनस थीटा, ये थीटा जो है 90 से कम है, इसका मतलब ए एंगल 90 से ज्यादा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव है, ये इंटरसेप्ट है सी, ठीक है, सी ग्रेटर देन 0 लेकिन स्लोप लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद ये आई ही रहे हैं साहब लोग हमारा, अपने बउआ आई तो जय बैच में गेल है तो लिंक तेरा गेल है तो जगह नहीं गया होगा से घूम के आपके सब्जी देकर 9 बजे आया है कि आई कब चला है? हम इंतजार कर रहे थे कब ये उठेगा जो भेजेगा सर, यही तो सुतले है रात भर जगह है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, कर दी वही तो ही है, नहीं सर ठीक हो जाए मुकुंद कहाँ गया हुआ, क्या कर ले? घूम के गया, घूमने गया कल था कि नहीं था? मैं थोड़ी के बोला रही कहाँ गया घूमने, क्या कहा है गलती से गाँव आ गया? जो बच्चा सब शहर में जन्म लिया है, शहर में रहा है, गांव में एडजस्ट नहीं करेगा, करना चाहिए, गांव ही ओरिजिनल है, जाने की कोशिश करके एक दिन के लिए, अभी ज्यादा नहीं, परीक्षा बाद में उसे बढ़ाना चाहिए। सोच डिफरेंट है वो अलग बात है, बातचीत करके रहेगा तो गांव का इम्पोर्टेंस है, तू कतनो कमाएबे या जते संपत्ति अर्जित करबे ओते धै लो, अरे अच्छा अच्छा सुपर एक्स क्यों, वो सब बात खाली सुनना है, वो सब ज्ञान का पढ़ाई लिखाई से किसी को मतलब नहीं, पढ़ना लिखना थोड़ी है उसको, तो दलाली करना है उसे भी खाना है। आप तो खेतों की बात नहीं करेगा, एकदम सही कर रहा है, आप तो खाली राजनीति का बात करेगा, सीएम डीएम पीएम सब गए हुए हैं, बच्चा बच्चा सब तो राजनीति का बात करता है, लेकिन गांव में रहना एक बहुत बड़ा जीवन का सीख मिलता है गांव से। गांव में एक बात है, आज भी तू अगर चले जाओ किसी को चाय देने, बायां हाथ से चाय देकर दे, थोड़ा
तुरंत करेगा कोई, अगर तू भोज का पंक्ति चला हुआ है यहाँ के दिया बता को चप्पल पहन के चलने का, चप्पल पहन के चले कर गए ज्ञान नहीं हुआ तो जब नहीं नहीं खाएगा नहीं ऐसा, तो जानता है कि अगर ये शहर में रहता है वहां से आया तो तुरंत बोलेगा क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है। चप्पल पहन के बाया का मतलब अशुद्ध अखबार में पड़े उसका भी सर जाम लगा हुआ था नाला रोड में, खसना से आए कोचिंग जा रहे थे पहले नहीं था, पहले बड़ा साफ सुथरा था। ए विजेंद्र जी का कमाल है, इसलिए विजेंद्र जी को नहीं देखे जाम देखे हमको आगे पड़े हैं। हाँ देखो चलो देखो तो वाई बराबर है, देख ले रहे अभी अभी क्या आया है, सब कोई आता हो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, सी ग्रेटर देन जीरो मैंने इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए और स्लोप ग्रेटर देन जीरो। स्लोप किसको कहते हैं, टैन ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, tan of angle made by the line with the x axis in anti clockwise direction। yaar dekho yahan x axis hai positive x axis, is positive axis se anti clockwise direction mein theta, ye theta kya hai first quadrant pe 90 se kam, first quadrant pe tan theta kya hota hai positive, isliye slope positive intercept positive, ye line ka graph hai theek hai। agar yahi equation de de y barabar hai x mane intercept nahi hai mane graph origin se pass kar raha hai, अगर y बराबर है x plus c स्लोप नेगेटिव और c पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव माने ये लाइन y एक्सिस को काटेगा ऊपर, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का कहने का मतलब हुआ, स्लोप नेगेटिव कहने का मतलब हुआ कि ये जो थीटा है ये थीटा निश्चित रूप से सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा ये y बराबर है x plus c जहां m नेगेटिव, थीटा ये होगा पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इतना तक समझ में आ गया सबको? वाई बराबर है एक्स प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव बट वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप, लेकिन ये देखो थीटा ए इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये हुआ सी नेगेटिव, लेकिन स्लोप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बता रहा है, जो थीटा 90 से कम है माने स्लोप tan थीटा पॉजिटिव ठीक। उसके बाद आ जाओ y बराबर kx स्क्वायर, बोलो किसका ग्राफ होगा, पैराबोला, y एक्सिस x एक्सिस ग्राफ होगा पैराबोला होगा, y बराबर x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर 1 y बराबर कुछ वैल्यू x बराबर 2 y बराबर, बशर्ते कि k पॉजिटिव हो, k ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0 अरे बात समझ रहे हैं, k ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा ये ग्राफ, लेकिन वही y बराबर kx स्क्वायर अगर k लेस देन 0 है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, k लेस देन 0 ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसा, हो जाएगा x एक्सिस y एक्सिस ठीक है। अब जैसे एक सवाल दे रहा है
x y ये ग्राफ है y बराबर के x स्क्वायर का पॉजिटिव अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है अब करा ये है k1 ये है k2 चलो सेम वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू देखो यहां पर y का वैल्यू ये होगा आई इसके लिए y का वैल्यू ये होगा बोलो यस द x सेम है x सेम है y कब बढ़ेगा जब k बढ़ेगा इसका मतलब कहेंगे k2 के तरफ है k1 होगा कि नहीं होगा बोलो यस सर होगा उसके बाद सर हां बोलो सर ठीक है हैं कांस्टेंट कांस्टेंट ओके कोई पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है ये ग्राफ दो दे दिया तो समझ जाएंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव क्योंकि x का मान लीजिए आप x बराबर 5 है मान लिया x बराबर 5 है तो y बराबर होगा 5 गुना 5 25 25 गुना k और y देखो y कहां आ रहा है x के वैल्यू के बाद y यहां आ रहा है मान लेते हैं इस ग्राफ पर y कहां आ रहा है यहां इस ग्राफ का y सेम वैल्यू के लिए y ज्यादा कब होगा जब k ज्यादा होगा यस सर x के सेम वैल्यू के लिए y अधिक कब होगा के ज्यादा हो के टुगेदर में जो समझ लिया बात सर इस कांस्टेंट का कोई नाम नहीं इक्वेशन हो गया अब देखिए चलिए पहले इसको लिखो एक एंड डाल दो नहीं हर्षिता आज घरे रह गई थी यस सर क्या है तो बहुत तबीयत खराब हो गया है वो बैग तो छूट गया वो कल मुझे जो है शुरू करेंगे यस सर ये बात समझ में आ गया आप लोगों को ओम आनंद जी आज नहीं थे यहाँ क्लास में नहीं है अभी आए हैं मुकुंद बाबू नहीं है गांव में जब चला जाता है आदमी तो सुख देखता था उसको बोला तो सर जो बच्चा शहर में जन्म ग्रहण किया है यही पर पला बड़ा है गांव तो उसको साल में दो बार लिए जाना चाहिए अमेरिकान लोग गांव का सौ सौ संपत्ति बेच देगा और शहर के वो छुट्टी का बाजार में कोई घर के अलावा है कुछ पैर रखेगा सदर जमीन नहीं है पतनों कम आएगा तो कभी खरीदेगा वो फ्लैट खरीदेगा एक वो अपने घर में रहेगा सामने वाला रहेगा कोई चोर कोई उचक्का कोई पशु घर कभी भी बाजार में नहीं बनाते हम लोग बना लिए बहुत भारी गलती करते संस्कृति का ज्ञान होता है संस्कृति का ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई चोर हो जाएगा कोई बतू हो जाएगा कोई अपन धर्म भ्रष्ट कर लेगा क्या
तो कहते हैं ना लालू का बेटा यस सर ये वो बेटा होने ले पापा जी ये वो बोले कुल बोल लालू का पोता तो पूछते हैं कि कहते ना कौन तो कृष्णा उठाने में जरूर पोता है बारह होता है पूछेगा कौन बड़ है मात्र बड़ तो कहते हैं ना मालूम नहीं है फिलिप है सर उसने भी लालू जैसा सतवां नंबर था सातवां नंबर वह सबसे गड़बड़ नंबर था मतलब सातवां मतलब उच्च कोटि का ज्यादा नहीं है वो तो भसे से लगता है तो सब नहीं जानता सब जानता है याद कर लगाया ओ यार अरे ऐसा नहीं है हरिजन का बहुत महत्व है आप अध्यात्म जान नहीं रहे हैं हर धर्म का जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसको बारीक को कोई पढ़ नहीं रहा उपड़े उपड़े पढ़ के खाली उले उले कर रहा है कोई भी धर्म गलत संदेश नहीं देता उसको मानने वाले लोग उसका गलत मतलब समझता है आओ ऐसा नहीं हो गया यस सर सर आप किसको वोट दिए हैं इस बार मुखिया में यस सर चक्राती हो गए थे देने की नहीं गए थे देने की हमको कोई नजर नहीं आ रहा था वैसा सरपंच का वोट गिरा दिए नहीं मुखिया कहीं गए ए उतना देर हम वोट गिरा चीनी ना जानिए मौसी मौसी कर चोरी का बारा महिला वार्ड इतना काम केमिस्ट्री या फिजिक्स याद करके ऊपर छाप रखते रहे से पहले पता नहीं हम लोग क्या पैसा लेके महिला वार्ड है सबके पत्नी खड़ी है और सबके हस्बैंड का नाम जानते हैं और पत्नी के नाम से मालूम है तो छाप याद करना है तो इतना हमसे नहीं होने वाला है छाप रखते सर आज काउंटिंग है कोई जीतवे करते कोई हारवे करते मतलब पंचायत चुनाव से नहीं रहता चुनाव से हमको बहुत मतलब पहले रहता था अब नहीं रहता ये तो नहीं होना चाहिए सबसे फालतू से पंचायत चुनाव लोकसभा चुनाव से मतलब उससे मतलब रहता लोकसभा के चुनाव में हम कम से कम एक महीना एनालिसिस करते हैं एक महीना की पांच साल एनालिसिस करते हैं तब वोट देते हैं पांच साल में हर दिन हम सोचते हैं कौन आदमी का क्या स्टेटमेंट ऐसा वोटे बहुत कम है इसलिए उस पार्टी का सरकार नहीं बनता यहाँ तक भारत में अभी लोकतंत्र नहीं है वोटतंत्र है हो गया देखो एक्स बराबर के वाई स्क्वायर चलो ग्राफ अरे छोड़ दो कोई जितने थोड़ा हमारा अपना करवे डॉक्टर इंजीनियर बनवे कोशिश करिए जहाँ रुपया कहते वहाँ गरीब लोग के ठीक से इलाज करिए लेकिन गरीब सब परेशानों बड़ा करता है इलाज करिए थोड़ा बचाइए दिए मर दे तो डॉक्टर जान दे किडनी निकाल यो बात कर दीजिए वो यो बात है हो गया आगे वैसा क्या होगा हाँ ये होगा होगा अरे x बराबर के y स्क्वायर है ना y का वैल्यू रखते चलो x का वैल्यू आता चला k ग्रेटर देन जीरो k ग्रेटर देन x y x पावर के y स्क्वायर के लेस देन 0 क्या होगा होगा x पावर के y स्क्वायर x एक्सिस y एक्सिस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ y y का वैल्यू है इसके लिए यहां एक्स क्या होगा ठीक है इसके लिए देखिए ये तो बहुत दूर भाग लोड़े लोग तो नजदीक बुला लेंगे फिर भी समझ नहीं पाते बाहर वाले जाते हैं
वॉइस पे जल्दी कर ले। चलो एक्स येलो वाई येलो, इसके लिए एक्स ये आया, इसके लिए यहाँ एक्स ये आया। ये मान लो के वन या के टू, के टू ग्रेटर देन बोलो होगा। अब उसके बाद इस तरह का सवाल हो गया। हाँ एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है और वो था पैराबोला का, वाई बराबर के एक्स स्क्वायर क्या था पैराबोला। एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट है क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है देखो यहाँ ये y एक्सिस ये x एक्सिस है, तो भैया x ये है y ये है, x बढ़ा y घटेगा, x बढ़ा y घटेगा, y बढ़ाएगा x घटेगा। एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया, x बराबर के वाई वाई या y बराबर के वाई x, y बढ़ेगा तो x घटेगा तो y। ठीक है पॉइंट्स तो यही तो है, यही पॉइंट्स तो है। अरे पहला लॉ जो बताएगा, लॉ पढ़ने से पहले ग्राफिकल सवाल हल करना है, यही एडवांस है, एडवांस के। अब बाकी तो सब बन जाएगा इसके लॉ को पढ़ने से। हो गया आवाज आ। हाँ वाई बराबर ई पर पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है होगा वाई बराबर ई पर पावर एक्स। क्या होगा नीचे से ऊपर यहाँ से ऊपर ऐसे आइधर इधर किस किधर जाएगा वो सटेगा नहीं, पैरेलल होने की कोशिश करेगा। ठीक है हो जाएगा y बराबर e पर पावर x। चलो x बराबर जीरो रखो, y बराबर वन, x जीरो है तो y ये क्या वन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो वन, y एक्सिस ये x एक्सिस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो। ठीक है क्लियर है। अब आता है y बराबर e पर पावर माइनस x, पैरेलल होने की कोशिश करेगा, सोच के भी देख सकता है x पावर जीरो y पावर वन बाई e, x पावर जीरो y पावर वन, ये पॉइंट हो जाएगा वन जीरो जीरो वन जीरो। और उसके बाद x का जीरो से वैल्यू बढ़ा ये वैल्यू घटेगा, और जीरो से नीचे का ये बढ़ेगा। अरे हो जाएगा ना y बराबर e पर पावर माइनस x, y पर पावर e पर पावर x हो गया। आगे का अब तो हो ही गया होगा, अब क्या करना है। ln x लिख देते क्या साहब बाबू गैसियस सिस्टम को पकड़ बनाना है और क्या? यस सर, हर कुछ को पकड़ होना चाहिए ऑलराउंड। ओह यार
यस रोशन तोरा गांव में के जित तोड़े सर कुछ पता नहीं है इतना मतलब कि सब है एक दूसरे के विपक्ष में खड़ा हो जाता है ये सब खड़ा है तुम्हारा गांव में सर मेरे गांव से मतलब कि हमको मतलब ये पंचायत समिति में तो मेरे चचा खड़ा हुए हैं नाम क्या है सुबोध कुमार मतलब अच्छा। उनकी हाँ तुम्हारा कौन पंचायत हुआ जजुआर पूर्वी अच्छा जजुआर पूर्वी मुखिया में वहाँ गौसी होगा सर यस सर उसी का चांस है थोड़ा सा जीतने का पंचायत समिति में शायद वहाँ राजा वगैरह सभी खड़ा है ना यस सर तुम्हारे चाचा का क्या हालत है उनका ठीक है इसमें क्या होता है सब बता देते हैं पंचायत चुनाव में एक को वोट को 100 प्रत्याशी जीता रहता है यस सर अभी बता हमसे जो कोई पूछेगा हमको इस बार पहला बार है जो हम पंचायत चुनाव से कोई मतलब नहीं हम पंचायत चुनाव से कोई बड़ा मतलब रखते अब नहीं रखते दो साल दो बार से पांच को वोट गिराना देख वाइट रबर एलएडएक्स बोला जाता है एल एड एक्स जीरो पॉइंट थ्री सिक्स अब देखो एक बार जान लो इसी को अगर log to the base 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log of x to the base 10 base 10 पर जो log होता है उसको natural log बोला जाता है और base e पर जो log होता है उसको Napierian log बोला जाता है Napierian log को ln लिखते हैं ठीक है तो देखो x बराबर अगर e रख देगा ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है ठीक है अगर x बराबर तू e रख दो या तुम्हारा y बराबर x है log of x अगर x बराबर e रख देगा तो y बराबर 1 आ जाएगा अगर x बराबर 1 रख देगा तो y बराबर 0 आ जाएगा log 1 तो हमेशा 0 होगा ना x बराबर 1 जहां x 1 जैसे यहां 1 है मान लेते तो y क्या है 0 y 0 है ना यार ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 1 0 लेकिन अगर x बराबर e रख देगा e का वैल्यू होता है 2.317 तो वो x बराबर e रखेगा तो y बराबर हो जाएगा log of e to the base 1 ठीक है y बराबर हो जाएगा 1 तो मान लेते हैं e तुम्हारा यहां पे ही आया इसके सामने y 1 आ जाएगा ठीक है अरे समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है अब वही अगर y बराबर log of x to the base 10 तो यहाँ है ये पॉइंट क्या है x बराबर 1 तो y बराबर 0 ये पॉइंट है 1 और 0 मान ले ये पॉइंट है यह e वैल्यू ये पॉइंट क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ
ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स बराबर ई वाई बराबर लॉग ऑफ ई टू द बेस ई वन और x बराबर 10 तो y बराबर log of 10 to the base 10 1 x बराबर यहाँ 10 ये तुम्हारा ये हो जाएगा 1 ये पॉइंट हो जाएगा x 10 y 1 समझ पाए बाप बोलिए yes. अरे बोलो ना भाई सभी आदमी को समझ में आया हर्षिता समझ में आया बात है? यस सर समझ में। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आता है एडवांस में बहुत आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता ही है बार ये सर वो बनाने वाला क्वेश्चन है आता है मैथ में 11 नहीं पूछता ओके बेटा यस सर इतना ग्राफ काफी है हमारे लिए अरे अब हम आते हैं गैस लॉ आइडियल गैस लॉ पहला है बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ क्या है गौर से समझिए फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब समझिए लिख लीजिए अभी के दुनिया में स्टेबल नौकरी क्या है कोई आदमी को बता रहा है कोई एक बड़े आदमी एलन मस्क है सर दुनिया का सबसे अमीर वो बोला था जो काम कंप्यूटर ना कर सके वो काम जिस आदमी को आता है उसका जॉब स्टेबल है इसलिए हम कह रहे हैं बार बार गांव की ओर गांव जाना सीखो कहे तो आने वाले समय में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की अपार संभावनाएं हैं और उसके बहुत बड़े बड़े पोस्ट को आप होल्ड कर सकते हैं इतना खतरनाक है इतना चीज पढ़ चुका है सारा चीज पढ़ चुका
पहला बार जो है ना वही ऐसा रॉकेट बनाया है ना स्पेस है जिसमें रॉकेट जाने के बाद जो होता है ना फिर वापस आ जाए। वैसे तो ये सब तो रॉकेट भेजता था तो वो खराब हो जाता था अड़ा जाता था, ये पहला बार बनाया जो कि वापस आता था। अब वो सर अपने से पढ़ते हैं रिटा कंपनी से पढ़ते हैं डिग्री जब तक उसका गंभीर जानकारी आपको दे जाएगा उस व्यापार का सफल देगा। इसलिए वो आदमी जो है सो इतना ज्यादा सफल है वो जिस बिजनेस को सोचता है उसको पहले पढ़ता है। उसके अंदर बंद करके क्यों रहेगा वहां पर, कुछ फिक्शन काम ही नहीं करेगा, बस तुरंत कहीं से दूसरा देश से यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक बर्तन है इसमें हम क्रिस्टल लगा दिया है, यहाँ गैस है, गैस तो हमको दिखता नहीं है लेकिन मान लेते एक आइटम है। गौर कीजिए ये लो बॉयल कैसे सोच लिया हम, आप पहले जन्म लिए रहते तो भी आप सोच ले ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब गैस इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट, बात समझ रहे हैं। अब कहता है प्रेशर बढ़ाओ और वॉल्यूम घटेगा, अब प्रेशर घटाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाओ कैसे, हम लोग कहेंगे इसको नीचे करो पिस्टन, पिस्टन को यहां से लेके यहां चले आओ, यही आइटम था। यहां जब पिस्टन ले आए तो हम लोग कैसे कहते हैं कि प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया था, क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ गया। सर उसका मूवेबल एरिया जो था ना वॉल्यूम गया, वो कम गया तब कम अब ये वॉल्यूम घट गया कम में ट्रेवल करना है टकरा रहा है, एनर्जी उतना ही है ज्यादा बार टकरा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि पिस्टन नीचे कर देगा तो वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ गया। अब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, यही तो बात है ठीक है, है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास का मतलब मोल ठीक है। पी बराबर के गुणा वन बाई वी, पीवी बराबर कांस्टेंट, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन, क्या कहते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन, कांस्टेंट बॉयल्स लॉ इक्वेशन, के को कहते हैं बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, अलग अलग गैस के लिए अलग बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट हो गया। अब कोई गैस है एक ये गैस है, अभी यहाँ ये गैस प्रेशर कितना लगा रहा है P1, तब इसका वॉल्यूम कितना है V1, अब इसको हम नीचे ले आए, अब यहाँ प्रेशर कितना लगा रहा है V2, तब वॉल्यूम कितना है V2। एक कंडीशन में था P1 V1 बराबर कांस्टेंट, दूसरे कंडीशन में P2 V2 बराबर कांस्टेंट,
इसका मतलब क्या हो गया पी वन वी वन बराबर पी टू बॉयल्स लॉ का इक्वेशन यही है। कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है कांस्टेंट मास रहे तो किसी एक गैस का जो अभी प्रेशर है और अभी जो उसका वॉल्यूम है बराबर होगा किसी दूसरे छत में उसका प्रेशर होगा और उसका वॉल्यूम होगा दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है बात समझ रहे हैं। अभी जो उसका प्रेशर है गुना अभी जो उसका वॉल्यूम है बराबर होगा किसी दूसरे क्षण दूसरा कंडीशन बदल दिए जैसे यहाँ दो कंडीशन बदल दिया अभी यहाँ प्रेशर है पी वन वॉल्यूम है वी वन अभी यहाँ प्रेशर है पी टू वॉल्यूम है और वही मेन है उसी से सब लोग डिराइव कर सकते हैं तो लॉ तो धीरे धीरे सब आ जाए हो गया ये कहलाएगा हमारा बॉयल्स लॉ इक्वेशन। टाइम हो गया क्या चलो आज शुरू तो हो गया तो इसको कल बड़ा बढ़िया बढ़िया बात होता है। ठीक है क्या करूँगा हाँ हम बोले ना दोनों चीज प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है